हेलो दोस्तों, आप लोग जब भी गल्फ कंट्रीज़ में इंटरव्यू के लिए जाएंगे, एक्सटर्नल पाइपलाइन का जो वाटर सप्लाई जो भी है, यानी इवन आपको एक्सटर्नल इवन डी वाटरिंग का पाइपिंग भी हो, तो एक चीज़ ज़रूर आएंगे, HDPE पाइप। अपना इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं है, है लेकिन इतना पॉपुलर नहीं, लेकिन गल्फ कंट्रीज़ में बहुत पॉपुलर है दोस्तों HDPE पाइपिंग। अगर आपने इस तरीके से जो जॉब के लिए इंगेज जाती है, तो डेफिनेटली उसका कई सारे डिटेल्स पूछेंगे आपको। मैंने बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दे देंगे। मैंने आपको बेसिकली आपको दो तरीके का HDPE पाइपिंग है। एक तो आपको आपको इलेक्ट्रोफ्यूजन वेल्डिंग के साथ जो पाइपिंग आती है, और दूसरा है बट वेल्डिंग। ठीक है, ये दो टाइप का पाइपिंग है HDPE पाइपिंग में। HDPE मतलब हाई डेंसिटी पॉली एथिलीन है, हाई डेंसिटी पॉली एथिलीन, हाई डेंसिटी पॉली एथिलीन रैंडम को पॉलीमर, इस तरीके से उसको लंबा नाम जाती है, इसमें कोई मतलब नहीं। लेकिन कोई भी नाम पूछेगा तो आप इसको बोल दीजिए HDPE क्या है। उसको दो टाइप का होती है, मैंने पहले जैसे कहा इलेक्ट्रोफ्यूजन वेल्डिंग का भी आती है, बट वेल्डिंग का भी आती है। दोनों का वेल्डिंग मशीन अलग है। तो आपको इनके अगर पूछे गए इंटरव्यू में HDPE पाइप कैसे ज्वाइन करता है, नॉर्मल क्वेश्चन है, तो आपने सीधी सी बोल देना चाहिए इलेक्ट्रोफ्यूजन वेल्डिंग है और बट वेल्डिंग है। और इलेक्ट्रोफ्यूजन वेल्डिंग किस पाइपिंग के लिए करती है HDPE, वो जैसे स्मॉलर डायमीटर के लिए। स्मॉलर डायमीटर बोलेगा तो फॉर एग्जाम्पल आपको मेरे नॉलेज पे आप 50 mm से लेकर के, 40 mm भी है बहुत रेयर में है, 50 mm का लेकर के 150 mm तक आपको इलेक्ट्रोफ्यूजन वेल्डिंग का पाइपलाइन बहुत कॉमन मिलती है। ठीक है जी, नॉर्मली 80 80 और 50 भी बहुत रेयर केसेस में दिखा, मैंने बहुत कम जगह पे मैंने देखा। और मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिकेशन में भी आपको देखेंगे 40 mm टू 150 तक बट वेल्डिंग का, सॉरी इलेक्ट्रोफ्यूजन का मिलती है। और वो इसलिए यूज़ होती है, क्यों हमने इलेक्ट्रोफ्यूजन वेल्डिंग मशीन यूज़ होती है, इसका दोनों का मिशन देखेगा तो आपको ऑलमोस्ट इसका समझ जाएंगे। इलेक्ट्रो फ्यूजन वेल्डिंग जो फिटिंग्स का अंदर एक कोईल होता है, समझ लीजिए कपलिंग है, पाइप अंदर घुसाया, दूसरा पाइप भी सामने घुसाया, ठीक है जी, और उसका जो ऊपर एक जो फिटिंग का ऊपर एक लीड रहता है, उसमें हमने जो इलेक्ट्रो वेल्डिंग जो होता है, वेल्डिंग मशीन का जो केबल कनेक्ट करता है उसको स्टार्ट करता है, नियर अबाउट 28 30 40 सेकेंड के अंदर, यानी 60 सेकेंड का मैक्सिमम मैक्सिमम। वो हर एक पाइप का अलग अलग सेटिंग है, उसका वेल्डिंग करना भी बहुत मज़ा आ जाए दोस्तों। जितना भी फिटिंग्स है ना, उसके साथ एक बार कोड आती है। इलेक्ट्रो फ्यूजन वेल्डिंग में जो एक गन होता है, वो बार कोड को स्कैन करना है तो ऑटोमेटिकली वेल्डिंग चालू हो जाएगा। दैट इज़ इलेक्ट्रो फ्यूजन वेल्डिंग, बहुत बढ़िया है जो सिस्टम। मेरे पास उसका वीडियो नहीं है, इसलिए कर मैंने कुछ फोटोज साथ में डाल देता हूँ। दैट इज़ इलेक्ट्रो फ्यूजन वेल्डिंग, बहुत सुपर है, नाइस। कोई ग्लू या कोई गम कुछ नहीं चाहिए, अपने आप हीट करके, यानी उसके अंदर जो फिटिंग्स के अंदर, जितना भी फिटिंग्स के अंदर कोइल्स है, अंदर राउंडेड कोइल्स है, वो जैसा अपने पावर देंगे वो हीट होकर के वेल्डिंग हो जाती है। ये एप्लीकेशन इसलिए है, यानी जो रूम्स के अंदर और बिल्डिंग्स के अंदर वाई बहुत सारे फिटिंग्स होती है, इस समय में आपको इलेक्ट्रोफ्यूजन सही है। इसका फिटिंग्स का कॉस्ट थोड़ा महंगा है, लेकिन बट वेल्डिंग पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि सस्पेंडेड लाइन में बट वेल्डिंग करना बोला तो बहुत हैवी मशीन है जी, उसका बहुत हैवी मशीन, कम से कम मेरे ख्याल से 100 150 kg का वजन मशीन है, वो उठा के ऊपर करो फिर वेल्डिंग करो। क्योंकि बट वेल्डिंग का जो मशीन आप देखेंगे ना, उसको एक पाइप दूसरा पाइप उसको टाइट करके रखता है, और एक प्लेट होता है हीटिंग प्लेट, उसको ऐसा रखे दोनों पाइप को सामने करके, दोनों पाइप का मुंह जो है हीट करता है, गर्म करता है, फिर वो पीछे करके एक प्लेट उठाएंगे, फिर मतलब टाइट कर देंगे, तो पाइप ऐसे जाम होकर के, हीट ऑलरेडी है ना जी उसका, जाम होकर के प्रॉपर वेल्डिंग हो जाती है। अब समझ लीजिए प्रोसेस कितना हेवी है। ये हो सकता है मात्र ओनली आपका एक्सटर्नल पाइपिंग, यानी 100 300 150
300 400 500 का एमएम का पाइपिंग होता है, एचडीपी पाइपिंग, उसी के लिए आपको 200 एमएम एक्सटर्नल फायर फाइटिंग के लिए बहुत यूज़ होता है अपना गल्फ कंट्रीज में एचडीपी पाइपिंग। और क्लास होती है उसका, ठीक है जी, बहुत सारा थिकनेस का मतलब डिफरेंट डिफरेंट थिकनेस का क्लास होती है। तो उस पाइपिंग आपको समझ लीजिए आपको एक्सटर्नल पाइपिंग के लिए होती है, वो कितनी भी पानी जाओ आओ ये सब मतलब रफ एंड टफ यूज़ के लिए ये सब बट वेल्डिंग का सिस्टम यूज़ होती है। अगर बट वेल्डिंग करके डाल दिया ना, वो सेम ऐसा है जो पाइप ओरिजिनल कैसे थे वैसे, नॉर्मल पाइप का जो फील कैसे है वैसे ही फील होती है। तो ये दोनों तरीके का एचडीपी पाइपिंग है दोस्तों गल्फ कंट्रीज़ में। और बट वेल्डिंग का मैंने जो इंटरनल पाइपिंग का जो बताया एचडीपी पाइपिंग, वो ज़्यादातर फिर भी यूपीवीसी पाइपिंग ही यूज़ होती है। बहुत रेयर केसेस में आपको एचडीपी पाइपिंग डालना पड़ता है, जैसा फॉर एग्जांपल किचन का ड्रेनेज है ना, इस तरीके से बहुत रफ़ यूज़ होने वाला जो सिस्टम होती है वहाँ आपको एचडीपी पाइप यूज़ होना है, क्योंकि ऊपर से किसी ने कुछ लकड़ी से मारा ये करा वो करा, एचडीपी पाइप टूटने का भी चांसेस नहीं है, और क्या बोलते हैं उसको जॉइंट निकल जाने वाला चांसेस नहीं है, बहुत हैवी ड्यूटी है एचडीपी पाइपिंग। और इवन एचडीपी बट वेल्डिंग जो हैवी ड्यूटी पाइपिंग जो होती है 200-300 एमएम का, तो उसको भी आप देखिए इतना हैवी होता है, इतना हैवी मतलब इतना हैवी। ये सब पाइपिंग के लिए आपको इंटरव्यू क्वेश्चन पूछेगा तो आपको अभी जनरल नॉलेज मिल गया होंगे, तो आपने इसका क्लासेस के बारे में भी थोड़ा सा समझ लेना, कौन सी क्लास पाइप आपने यूज़ कर रहे हैं फायर फाइटिंग में वगैरह वगैरह, ठीक है जी। बहुत सारे क्लासेस है थिकनेस के हिसाब से, उसको भी आपने यूट्यूब वगैरह में और गूगल में वगैरह में स्टडी कर दीजिए, क्योंकि क्लास भी बहुत सारे पूछते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, बाय।